अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रेंच फ्राई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तीन आलू ले लिया मैंने, इसको मैंने छील लिया, छील करके मैंने इसको पानी में डाल के रखा हुआ है। पानी में डालने से ये कि आलू हमारा काला नहीं पड़ेगा। ये मैंने लिया है चिप्स सोना आलू है ये, तो चिप्स सोना आलू थोड़ा महंगा भी आता है लेकिन अच्छा बनता है, इसमें बहुत क्रिस्पी बनेगा बिल्कुल, तो मैंने वही आलू लिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको काट लेंगे। चलिए मैंने एक आलू ले लिया इस तरह से, इसको हम काट लेंगे। थोड़ा सा देखिए इसका पेट निकला हुआ है, इस तरह से हम इसको साइड का काट के हटा देंगे इसको, और इस तरफ से भी थोड़ा सा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने काट दिया है, और इसका साइड का जो पीस है ये हम निकाल लेंगे। अब हम इसको थोड़ा मोटे साइज में इसको हम काट के निकालेंगे इस तरीके से, और थोड़ा सा ये साइड का पीस हम इसको भी काट लेंगे। तो चलिए देखिए इसको हम काट लिया है इस तरह से, हम इस साइज का काटेंगे इसको। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसके अंदर इसको रखते जाएंगे, नहीं तो काला पड़ जाएगा ये। तो इसी तरह से हम दूसरा ही पीस काटेंगे। ये देखिए मैंने सभी को काट लिया इस तरीके से। इस पर देखिए अच्छे से इसको हम धोएंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए बिल्कुल दूध के जैसे पानी हो गया ये, तो इसको हम दो से तीन पानी तक हम इसको धोएंगे। इसको हम दूसरे बाउल में डाल लेंगे। ये देखिए मैंने पानी ले लिया है इसके अंदर, अब हम इसको एक दफ़ा और धो लेंगे इस तरीके से। फिर से हम इसके अंदर रख लेंगे इसको। गैस मैंने ऑन कर दिया है, कढ़ाई मैंने पानी ले लिया है। पानी हमारा इतना होना चाहिए ताकि हमारा आलू इसके अंदर पूरे अच्छी तरह से डीप हो जाए, और पानी थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए। और ये लिया मैंने नमक, तो हम ये भी डाल देंगे इसके अंदर। नमक लिया मैंने एक चम्मच, इतना लेना है कि आलू में हमारे नमक अच्छे से ऐड हो जाए ताकि खाने में टेस्ट आएगा। चलिए अब इसको ढक देते हैं ताकि पानी में जल्दी से उबाल आ जाएगा। ये देखिए पानी में उबाल आ गया, हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। मैंने पानी से इसको निकाल लिया है। चलिए हम इसको 2 मिनट उबाल लेंगे, इसको हम 2 मिनट के लिए इसको उबालेंगे। गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है, और इसको मैं ढकूंगी नहीं, बगैर ढके हुए इसको उबाल लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। तो चलिए 2 मिनट हो गया है। ये पानी लिया है मैंने फ्रिज का, बिल्कुल ठंडा पानी लिया है। अगर आप ठंडे पानी में नहीं डालें तो आप फ्रीजर के अंदर इसको रख दें 30 मिनट के लिए, ठंडा हो जाना चाहिए। मैं ठंडे पानी के अंदर ही डालूंगी इसको। तो इसके अंदर 2 मिनट हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे। गैस बंद कर देती हूँ। देखिए इसको हमने 1 मिनट के लिए इसको छोड़ देना ताकि ये ठंडा हो जाए। तो चलिए 1 मिनट हो गया है, हम इसको निकाल लेंगे। तो चलिए इसको मैंने बड़े प्लेट में डाल लिया है। इसको हम थोड़ा सा इसको हवा लगने देंगे, इसको कपड़े से नहीं पोंछना है। इसको थोड़ा सा हवा लगा के इसका हल्का सा पानी हम इसका सुखा देंगे। तो ये देखिए इसका पानी सारा सूख चुका है, तो हम इसको निकाल लेंगे इस बाउल के अंदर। ठंडे पानी में डालने से ये कि आलू हमारा थोड़ा टाइट हो जाता है, इसे टूटेगा भी नहीं। ये लिया मैंने कॉर्नफ्लोर 2 से 3 चम्मच, ये लिया मैंने फूड कलर 1 चुटकी से भी कम है ये, तो हम डाल देंगे इसके अंदर ही डाल दूंगी मैं इसको। आप चाहे तो उसको आलू के अंदर ही इसको मिला सकते हैं। इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी पहले। देखिए मैं इसको अच्छे से मिला दिया मैंने। आप चाहे तो बगैर फूड कलर के भी आप इसको बना सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा बनता है, कलर भी अच्छा आ जाते हैं। मैं थोड़ा सा सिर्फ कलर के लिए डाल रही हूँ इसके अंदर। इसको हम थोड़ा सा डाल करके इस तरह से इसको मिस्टर से हिला देंगे। थोड़ा सा और डाल दूँगी इसके ऊपर। देखिए चम्मच से नहीं मिलाऊंगी मैं इसको। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इसके अंदर। उसके अंदर और डालूंगी। तो देखिए मैंने सारा डाल दिया इसके अंदर। आपका अगर आलू ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा ले लें, मैंने 3 चम्मच लिया है सिर्फ। ये देखिए अब अच्छे से इसकी कोटिंग हो गई है। अब हम गैस ऑन कर लेंगे। चलिए तेल गर्म हो गया, मैंने लिया रिफाइंड तेल। तेल हमारा जैसे हल्का गर्म, इस टाइम मीडियम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। इसको हम डाल देंगे इसके अंदर। ये देखिए इस तरीके से हम इसको रख लेंगे। ये देखिए इसमें डाल देंगे इसको। चलिए मैंने थोड़ा सा इसके अंदर और डाल दिया है। इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। इसको हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट। जब ये 2 से 3 मिनट पक जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। जब इसको देख लेते हैं, इसको इस तरीके से अलट पलट करते रहना है। इसमें कॉर्नफ्लोर डाला हुआ है तो चिपकते भी हैं ये, तो इसको आप इस तरीके से अलग अलग कर लें। देखिए बिल्कुल ठीक है ये। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे। इसको हम निकाल लेंगे। देखिए चलिए ये बाकी के पीस हम इसको भी इस तरह से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा हो गया है 2 से 3 मिनट, इसको भी मैंने फ्राई कर लिया, तो इसको भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए चिपक गए थे, इसके अंदर कलर नहीं लगा। सभी को हमने निकाल लिया इस तरीके से। अब जो बाकी के पीस है इसको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे।
ये देखिए मैंने इसको फ्राई करके निकाल लिया है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे और दोबारा से फिर हम इसको फ्राई करेंगे तो और भी ज्यादा ये क्रिस्पी हो जाएगा। ये अभी भी क्रिस्पी हो चुका है वैसे ये, लेकिन जब हम इसको और दोबारा फ्राई करेंगे तो और भी अच्छे तरह से ये क्रिस्पी हो जाएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो चलिए हम इसको ठंडा होने देते हैं पहले। तो ये देखिए ठंडा हो चुका है, ये मैंने गैस का फ्लेम तेज़ कर दिया है बिल्कुल तेज़ आँच पे, इसको जैसे तेल पूरा गर्म होना चाहिए। अब हम इसको तेज़ आँच पे ही फ्राई करेंगे। तो चलिए इसको बिल्कुल डीप फ्राई करना है। तो देखिए तेल हमारा ये गर्म हो गया है, इसमें से हम आधा डाल देंगे इसके अंदर। चलिए देखिए हो गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया, देखिए कितना क्रिस्पी बना है ये। चलिए इसको हम इस तरह से पलट पलट के किसी तरह से फ्राई कर लेना है इसको भी। तो ये देखिए ये भी हो गया हमारा, हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरीके से सभी को निकाल लेंगे हम। देखिए क्योंकि पीस हमारा इतना टूट भी गया है, तो ये देखिए इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा चाट का मसाला, थोड़ा सा डालेंगे काला नमक जो होता है वो डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा टेस्ट के लिए। इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा ये लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने, ये डाल देंगे इसके अंदर। थोड़ा मैं तीखा बना रही हूँ हल्का सा, देखिए इसको हम इस तरीके से, ये देखिए हमने इसको मिला दिया इसके अंदर। अब हम इसके अंदर इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंच फ्राई बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से बनाइए, कितना जल्दी बन गया ये। जब भी आपका दिल करे या बच्चों का दिल करे तो फटाफट से इस तरह से आप बना करके बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों को देना तो उसमें तीखा जो लाल मिर्च मैंने डाला है वो ना डालें, सिंपल बनाएं इसको। और इसी तरह से बनाएं, बहुत ही झटपट जल्दी से बन जाता है ये। देखिए इसको आप टमाटो सॉस के साथ भी ले सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो इसमें लाल मिर्च जो डाला है मैंने तीखे वाले वो ना डालें, इसको सिंपल बनाइए। ये बहुत ही मज़े का लगता है खाने में, इसको आप इस तरह से बनाइए। तो देखा ना आपने कितनी जल्दी झटपट से बन गया ये। तो आप इसको इसी तरह से बनाइए। मेरे वीडियो से अच्छा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।